नमस्कार, मैं रश्मि तिवारी foodbix.com में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम बनाते हैं साबूदाने की टिक्की। साबूदाने की टिक्की के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है देखते हैं। 4 उबले हुए आलू, 1 कप साबूदाना जिसे हम 2 घंटे पहले ही भिंगो के रख लेंगे, कटा हुआ हरा धनिया, सेंधा नमक स्वादानुसार, कटी हुई हरी मिर्च। सबसे पहले हम इन आलूओं की टिक्की बनाएंगे। इसके लिए आलू को हम किसी बड़े बर्तन में डालेंगे। इसमें अब हम डालेंगे हरी मिर्च, हरा धनिया, नमक स्वादानुसार, सभी चीज़ों को हम मिलाएंगे, अच्छी तरह से इन्हें मैश करेंगे और इनकी टिक्कियाँ बनाएंगे। ये देखिए टिक्कियाँ तैयार हैं। इसी प्रकार हम सारी टिक्कियाँ बना के तैयार कर लेंगे। साबूदाने को भी हम किसी भी बड़ी प्लेट में डाल लेंगे इस तरीके से, और इसमें हल्का सा नमक मिलाएंगे ताकि फीका ना लगे खाने में। इस प्रकार हम मिला के इसे तैयार कर लेंगे, और जो हमने टिक्कियाँ ऑलरेडी पहले से तैयार कर रखी हैं उन टिक्कियों को इसमें लपेटेंगे इस तरीके से। हल्का हल्का इसे पुश करेंगे तो ये इसमें अच्छे तरीके से चिपक जाएगा। इसी प्रकार हम सारी टिक्कियाँ इसमें लपेट लेंगे और इसे हल्का सा हाथ से पुश कर देंगे ताकि आलू पे चिपक जाए अच्छे से। ये देखिए तो ये इसमें अच्छे तरीके से लग गया है और इन्हें हम रख लेंगे। तो इस प्रकार हम सारी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। टिक्कियाँ तैयार हैं, अब इन्हें हम तलेंगे। ध्यान रखें ज़्यादा टिक्कियाँ नहीं डालें क्योंकि वो साबूदाना बिखर के निकल भी सकता है। और अपनी जो गैस है जिसे हमने पहले तेज कर रखी है जिसकी लौ को, उसे कम कर लेंगे थोड़ा सा। टिक्कियों को हम इस तरीके से तलेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ध्यान रखें अगर आपको लगता है कि टिक्की फट रही है बनाते वक्त, तो आप इसमें 1 चम्मच कुटू का आटा उस वक्त मिलाएं जिस वक्त आप टिक्की तैयार कर रहे हो। सारी टिक्कियाँ इस तरह से बना के आप निकाल लें। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है, तो आइए सर्व करते हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे, निकालते वक्त सावधानी बरतें वरना ये फट जाती हैं। साबूदाने की टिक्कियाँ तैयार हैं, आप इन्हें सर्व करें। आप चाहें तो इसे हरी धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकती हैं और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो आप भी बनाएं, और बाकी की रेसिपीज़ के लिए foodbix.com पर विज़िट करिए। धन्यवाद।